To get the same video in English, please subscribe our new channel Career A+. हेलो दोस्तों, आप गेट के प्लान की उम्मीद में आए होंगे, इसलिए हम डायरेक्टली अपने पॉइंट पर आते हैं। इस वीडियो में चार सेक्शंस होंगे। पहला, प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस, जिससे हमें ये पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट का हाईएस्ट वेटेज है और हमें उस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। नंबर दो है प्लान ऑफ मेन प्रिपरेशन, हम ये देखेंगे कि हमारे प्लान में किस सब्जेक्ट को कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके टाइमिंग के अकॉर्डिंग, और हम ये भी देखेंगे कि कब हमें बैकअप डेज को इंक्लूड करना है। और तीसरा है रिवीजन, रिवीजन में कितना टाइम देना है और सब्जेक्ट्स का सीक्वेंस किस तरीके से रहेगा इसको भी देखेंगे, और फुल लेंथ टेस्ट को कब इंक्लूड करें ये भी हम देखेंगे, और लास्ट रहेगा कस्टमाइज्ड प्लान टूल। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर वन पॉइंट से, प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। अब जब हमारे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं तो हम उन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक्स हमें मिलेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके। पिछले 27 सालों के क्वेश्चंस को अगर हम एनालाइज करें तो अगर आप ये देखो कि हर सब्जेक्ट में टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं गेट में अभी तक मैथ्स और एप्टीट्यूड को छोड़ के, तो वो लिस्ट इस तरीके से होगी। और इसी को एक ऐसे सीक्वेंस में जमाए जिसमें सबसे ज्यादा से सबसे कम पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, तो वो सब्जेक्ट की लिस्ट इस तरीके की होगी। तो आप देख सकते हैं कि टॉप 2 सब्जेक्ट्स प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, बट ये तो पिछले 27 सालों का हुआ, लेकिन 4 या 5 साल पहले से ये पैटर्न चेंज हो चुका है। 2014 से पेपर अब ऑनलाइन होता है और 2 से 3 सेट आते हैं। तो अगर आप एवरेज मार्क लेते हैं हर सब्जेक्ट का 2014 से 2019 तक, तो वो लिस्ट कुछ इस तरीके की दिखेगी। अब इसमें हमने मैथ्स और एप्टीट्यूड को भी इंक्लूड किया है। इसी लिस्ट को फिर से सबसे हाईएस्ट मार्क्स से सबसे लोएस्ट मार्क्स के बीच में अरेंज करें। फिर से अगर आप देखें तो प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स का सबसे ज्यादा वेटेज है। अगर इन्हीं सब्जेक्ट्स का एवरेज हम मैथ्स और एप्टीट्यूड का जोड़कर लेते हैं तो लगभग आता है 54 मार्क्स, और अगले 3 सब्जेक्ट्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस एंड टीओसी को भी टोटल ले लेते हैं तो लगभग होगा 76 मार्क्स। लगभग सिमिलर सी सब्जेक्ट लिस्ट जिस जो हमने पिछले 27 सालों के टोटल क्वेश्चंस के लिस्ट को देखा था। अब एक बार हमें सब्जेक्ट्स का वेटेज पता चल जाता है तो हम उस सब्जेक्ट के हर टॉपिक का भी वेटेज देख सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं एक सब्जेक्ट का। इस लिस्ट में फर्स्ट कॉलम है सब्जेक्ट, सेकंड कॉलम है टॉपिक्स उस सब्जेक्ट में, और थर्ड कॉलम है टोटल क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे गए हैं इस टॉपिक में। अब अगर आप इस डेटा को यूज करते हैं और कन्वर्ट करते हैं एवरेज मार्क्स में, जो कि हर टॉपिक में से अगर 85 मार्क्स में से पूछा जाए तो वो इस तरीके से दिखेगा। अब हम सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक की लिस्ट को सबसे ज्यादा मार्क्स से सबसे कम मार्क्स के बीच में अरेंज करते हैं, तो हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट से सबसे कम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मिल जाएगी। अब अगर आप देखें तो 51 टॉपिक्स हैं इन सारे सब्जेक्ट्स में, तो अगर आप शुरुआत के 25 टॉपिक्स जो कि 50% ऑफ सिलेबस है उनको ऐड करते हैं तो लगभग आता है 62 मार्क्स, प्लस अगर आप 15 मार्क्स एप्टीट्यूड का भी जोड़ लेते हैं तो टोटल हो जाता है 77 मार्क्स। अब ये लिस्ट कैसे मिलेगी ये हम वीडियो के लास्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अब डायरेक्टली आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट जो है प्लान ऑफ मेन प्रिपरेशन। अब हमारी प्रिपरेशन का प्लान 1 अगस्त से 31 जनवरी 2020 तक रहेगा, जिसमें से हम 80% टाइम मेन प्रिपरेशन के लिए रखेंगे और बचा हुआ 20% टाइम रिवीजन के लिए, जो कि हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अब अगला देखते हैं कि हमें हर सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम देना है। ये रहा प्लान अगस्त के लिए। तो हर सब्जेक्ट और टॉपिक के मार्क्स और उसके वेटेज के हिसाब से हमने हमारे प्लान को डिवाइड किया हुआ है। सितंबर का आप देख सकते हैं कि हर महीने के आखिरी दिन को हमने बैकअप डे दिया है। अब हम हर महीने का प्लान 5 सेकंड के लिए देखते हैं। अक्टूबर का आप चाहें तो पॉज कर लीजिए या नोट कर सकते हैं, नहीं तो मैं ये इमेजेस आपको कैसे मिलेगी ये वीडियो के लास्ट सेक्शन में बताऊंगा। और नवंबर का अगर आप देखें तो हमने रिविजन्स के 2 स्लॉट्स दिए हुए हैं, पहला हर सब्जेक्ट को खत्म होने के बाद और दूसरा उसके अगले सब्जेक्ट्स को खत्म होने के बाद दिसंबर। अब चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है रिवीजन। आपके रिवीजन में सीक्वेंस सब्जेक्ट के वेटेज और उसके डिफिकल्टी पर होना चाहिए, और वेटेज सब्जेक्ट का हम डिसाइड करेंगे हमारे एवरेज मार्क लिस्ट से जो हमने 2014 से 2019 के बीच में निकाली थी। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे रिवीजन का प्लान जनवरी में स्टार्ट होगा। अब इसी बेसिस पे हम रिवीजन के लिए जनवरी का प्लान देखते हैं। हमारा रिवीजन 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और प्लान के साथ 31 जनवरी को खत्म होगा। अब आप देख सकते हैं कि हमने कोई टॉपिक का डिस्क्रिप्शन इस पीरियड में नहीं दिया है। पॉइंट ये है कि या तो आप अपनी वीकनेस के हिसाब से टॉपिक्स इस डेट में चूज कर सकते हैं, या अगर आपको टॉपिक का डिस्क्रिप्शन चाहिए तो इसका फीचर्स हमने कस्टमाइज्ड प्लान टूल में दिया है हर टॉपिक के वेटेज के हिसाब से।
सो द लास्ट पॉइंट आता है कस्टमाइज्ड प्लान टूल। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि आप वीडियो तब देखेंगे जबकि ये स्टार्ट डेट ऑलरेडी निकल चुकी होगी। तो आप लोगों की मदद के लिए मैंने एक ऐसा टूल क्रिएट किया है जिसमें आप अपनी खुद की स्टार्ट डेट और एंड डेट दे सकते हैं और अपना खुद का कस्टमाइज प्लान बना सकते हैं। ईएसई वीडियोस में मैंने इस प्लान के बारे में कुछ बताया था। इस वीडियो में हम डिटेल में गेट एग्जाम के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो इस टूल को एक्सेस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.careeraplus.in/exam-plan पर जा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये गेट सेक्शन में ऑलरेडी होगा और नहीं तो गेट बटन को क्लिक करके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आपको कंप्यूटर साइंस को चूज करना होगा। अब इस पैनल में सबसे पहला ऑप्शन है स्टार्ट डेट, तो आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से जाके अपनी स्टार्ट डेट प्लान के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और सिमिलरली एंड डेट को भी प्लान में चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 अगस्त 2019 अपनी स्टार्ट डेट ली हुई है और 31 जनवरी 2020 एंड डेट ली हुई है। नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि हमें प्लान रिवीजन के लिए चाहिए या नहीं। इस ऑप्शन को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, अभी के लिए इसको भूल जाइए। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वेकेशन। अगर आपकी कोई प्लान वेकेशन है, फॉर एग्जांपल जैसे दिवाली 27 अक्टूबर को पड़ रही है और आप प्लान कर रहे हैं कि उस समय आप स्टडीज नहीं करेंगे, तो आप यस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, फिर अपनी वेकेशन की स्टार्ट डेट और एंड डेट चूज कर सकते हैं। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन नो रहेगा, आप जब यस पे क्लिक करेंगे तभी आप डेट्स को एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज डेट्स का ऑप्शन डिसेबल्ड है। बस इतना ही, बस अब आपको सबमिट फॉर कैलेंडर बटन पर क्लिक करना है और आपका प्लान जनरेट हो जाएगा। अब नए प्लान को जनरेट करने के लिए आपको पेज को रिफ्रेश करना होगा। अब डिस्कस करते हैं कि वो रिविजन ऑप्शन क्या था। मान लीजिए कि ये टूल के बारे में आपको बहुत लेट पता चला, अब आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है या आपने ऑलरेडी कुछ प्रिपरेशन कर ली है, तो आप इस टूल का यूटिलाइज रिवीजन के लिए डायरेक्टली कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और कैलेंडर बटन को क्लिक कर दीजिए, तो आपका प्लान सबसे ज्यादा वेटेज से सबसे कम वेटेज वाले सब्जेक्ट के सीक्वेंस में ऑटोमेटिक लिया जाएगा। आप इस ऑप्शन का यूज तब भी कर सकते हैं जब आप रिवीजन सेक्शन में हमारे प्लान में होंगे हर सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स का टारगेट लेने के लिए जो इस पीरियड में कवर होंगे, क्योंकि हमने हमारे टॉपिक्स का डिटेल्स हमारे प्लान के फाइनल रिवीजन स्लॉट्स में नहीं डाला है। एक एग्जांपल के तौर पे हमारा प्लान यहाँ पे 1 जनवरी 2019 को स्टार्ट हो रहा है और प्लान के साथ 31 जनवरी 2020 को खत्म हो रहा है, तो आप डायरेक्टली अपनी स्टार्ट डेट 1 जनवरी और एंड डेट 31 जनवरी 2020 चूज कर सकते हैं और इस रिवीजन ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए। बस अब आप सबमिट फॉर कैलेंडर बटन को दबाएंगे तो आपका रिवीजन का प्लान तैयार हो जाएगा। अब हर मंथ के नीचे एक डाउनलोड बटन है, उस मंथ के प्लान को लेने के लिए इस डाउनलोड बटन को क्लिक करिए, ये ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस पे सेव हो जाएगी। अब लास्ट पॉइंट इस सेक्शन में सब्जेक्ट वेटेज बटन। अब आपने हमारे एक वीडियो में ऐसी लिस्ट देखी होगी जिसमें सारे टॉपिक्स जो कि सबसे ज्यादा वेटेज से सबसे कम वेटेज के बीच में अरेंज किए गए थे, इस लिस्ट को डायरेक्टली आप सब्जेक्ट वेटेज बटन से क्लिक करके ले सकते हैं। तो आपने देखा जो कि मैं पहले अपने वीडियोस में देता था वो डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ये डेटा और वेटेज हर साल एग्जाम होने के बाद अपडेट होते रहेंगे। इस वीडियो को बनाने में प्लस इसमें जो कैलकुलेशन है और डेटा को ऐसे लॉजिकल सेंस में अरेंज करने में काफी मेहनत, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अब हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आप प्लीज अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें थोड़े से लाइक जरूर दे दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट कभी मिस ना हो। और इसी वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए हमारे नए चैनल्स करियर ए प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इंजीनियरिंग वीडियोस यूजुअली हर मंडे को आते हैं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।